हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी तो ये है संडे का दिन 25 तारीख को माता पूजने के लिए गए थे आषाढ़ी माता पूजी जाती है तो यहाँ मेरठ में बच्चा पार्क पे कंठी माता का मंदिर है वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो आज वहाँ पर जाने का प्लान है और समर वैकेशन थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई हैं तो कोई हैक्टिक शेड्यूल नहीं है सिंपली जो बराबर में मेरे देवर रहते हैं चाचा जी की ससुर के बेटे उनके साथ मतलब मैं जाऊंगी वो देवर देवरानी मेरे और मैं जाऊंगी तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी में हम लोग एक ही कार में जो है मंदिर चले जाएंगे तो प्लान किया था कि छः बजे तक या फिर मतलब छः से सात के बीच में हम लोग निकल जाएंगे लेकिन जब सुबह उठे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी फिलहाल मैंने छः बजे के हिसाब से तो नहीं साढ़े छः के हिसाब से ये किया था कि चलो सफाई वगैरह करके नहा लेते हैं लेकिन बारिश अभी भी पड़ रही है और बिल्कुल अंधेरा सा ही अभी भी हो रहा था सफ़ाई हो चुकी है तो अब मैं चली गई नहाने के लिए अच्छा वहाँ पर खाना वगैरह कुछ बना के लेके नहीं जाना है तो सिर्फ सफ़ाई हो जाए पूजा हो जाए और तैयार हो जाए इतना ही काम है तो मैंने तैयार होकर फिर ये था कि टाइम था ही लेकिन मैं अपने हिसाब से ये था कि हम लोग साढ़े छः तक निकल जाएंगे तो मैंने बांध ली ये साड़ी और फ़ोटो में लग रहा है कि साड़ी ना ढंग से मतलब पास से देखो तो लग रहा है कि मैच हो रही है लेकिन दूर से अब मैं वीडियो क्लिप्स में देख रही थी तो ये ब्लाउज इस पर मैच नहीं हो रहा ये साड़ी का है भी नहीं ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी लगभग ढाई सौ रुपये की शायद ये थी बहुत सस्ती सी और इसके साथ ना वाइट कलर का ब्लाउज था चंदेरी का और सिलवा भी लिया मैंने लेकिन वाइट मुझे थोड़ा सा इसके साथ बोरिंग सा लग रहा था तो मैंने एक बार इसको ब्लू ब्लाउज पर पहना था वो बहुत अच्छा लग रहा था और आज मैंने इसको इस मल्टी कलर फ्लोरल वाले ब्लाउज पर पहना तो देखने में लग रहा था कि मैच हो रहा है लेकिन अब मैं जैसे आपको बताया क्लिप्स में देख के मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रॉपर जा रहा है चलो नेक्स्ट टाइम इसमें कुछ एक्सप्लोर और करेंगे और ये साड़ी मुझे ट्राई करनी थी तो मैंने सोचा आज मंदिर जाना है तो यही पहन लेते हैं आज माता रानी के दर्शन के बहाने ही सही लेकिन बाहर जा रही हूँ तैयार हो रही हूँ ये स्कूल वाला मेकअप ही चल रहा है लेकिन ये भी बहुत दिनों बाद चल रहा है आपको पता होता है कई बार कि आपके पास हैं कुछ तरीके मैं हमेशा कहती हूँ ना जब आप डाउन फील करो तो आपको हमेशा अपने पास पता होना चाहिए कि क्या तरीक़े हैं जिनसे आप अपना मूड दोबारा अच्छा कर सकते हो लेकिन कई बार बात सिर्फ मूड तक नहीं होती बात इमोशनल लेवल तक आ जाती है आप अंदर से इतने डिस्टर्ब हो जाते हो इमोशनल लेवल पे कि आप चाहते ही नहीं उन तरीकों पे चलना ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था लेकिन क्योंकि मैं पहले डिप्रेशन से जूझ चुकी हूँ और तब मुझे अंदाज़ा नहीं था इसकी डेंजरस ये इतना हो सकता है और किस हद तक आपको स्पॉइल कर सकता है तो तब मैं इसमें अटक के रह गई थी अब मैंने पूरी कोशिश की है अपने आप को वापस खींच के लाने की हालांकि कुछ चीज़ें अभी हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं लेकिन वो अभी चल रही हैं इसलिए मैं अभी उनसे ओवरकम नहीं कर सकती पर जब वो एक बार बीत जाएगा समय तो आई एम श्योर कि मैं निकल जाऊँगी उन सब चीज़ों से बाहर लेकिन इन सब के बीच में एक अनचाहा पॉज मेरी लाइफ में आया जो मुझे नहीं लेना था मुझे ऐसा पॉज नहीं चाहिए था पॉज मैं लेने की बात करती हूँ तब जब आप मतलब एक ब्रेक लो और इन्जॉय करो अलग तरीके से और फिर दोबारा से रिचार्ज होकर अपने लाइफ में जुड़ जाओ लेकिन ये एक ऐसा पॉज था जो मुझे नहीं चाहिए था मैंने रात को तीन तीन बजे तक काम किया लेकिन वीडियोज़ की कंटिन्यूटी नहीं टूटने दी पॉजिटिव रही कितना भी वर्कलोड बढ़ता रहा और वही पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों तक भी पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रही लेकिन इस एक झटके ने वो रिदम तोड़ दिया और जिसका मुझे बहुत दुख है खैर साड़ी पहन ली और सिर पर पल्ला करना है वहाँ मंदिर में कई सारी मतलब पूजा कई सारी मूर्तियाँ हैं भगवान जी की तो मैंने इसलिए जूड़ा बना लिया तो ना बाल सारे पल्ले में उलझ जाते हैं और तैयार होने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर मंदिर की सफाई करने के लिए अब यह है कि धीरे धीरे ना अब सात बजने ही वाले हैं साढ़े छः से भी ऊपर टाइम चला गया है तो मुझे लग रहा है कि शायद बारिश की वजह से जो है डीले हो रहा है लेकिन पहले मैं अपनी तसल्ली से पूजा कर लूँ उसके बाद फिर मैं फ़ोन करके पूछूँगी कि क्या है कैसी स्थिति है तो यहाँ मैंने मंदिर जो है वो अच्छे से साफ़ कर दिया और अब मैं जो है दीपक जला के अपना अभी टाइम काफ़ी है छुट्टियों में हर चीज़ के लिए टाइम कुछ ज़्यादा ही है इस वजह से भी मेरी स्पीड और शेड्यूलिंग ना सारी डिस्टर्ब हुई पड़ी है क्योंकि एक प्रेशर जब होता है ना आपके ऊपर कि हाँ मतलब ये इतनी ही देर है नहीं तो ये काम होगा ही नहीं या अब नहीं किया तो फिर आपको पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं काम और छुट्टियों में ये शेड्यूल जो है वो इतना बिगड़ गया क्योंकि पता है कि आगे टाइम है आगे और टाइम है इस चक्कर में हर चीज़ का शेड्यूलिंग जो है वो ख़राब हो गई है और कहीं ना कहीं बॉडी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगती है तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई और पूजा करने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया उन्हें अपने देवर को कि भाई इरादा भी है या नहीं जाना है तो फिर मैं अपना नाश्ते वगैरह की तैयारी में फिर लगूँ तो अभी बारिश जो है वो रुक गई है और बाहर की सफाई में आज जो पानी वगैरह डालती हूँ ना आज उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो यहाँ पर सात बीस हो गए तो मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने आठ से नौ के बीच का बोला कि जाएंगे लेकिन आठ से नौ के बीच में जाएंगे और वहाँ जाके अगर हमें लाइन मिल जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर देर होगी तो फिर मैंने अपना नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी और नाश्ते में पनीर का जो है पराठा बनाने का प्लान था रात को मैंने पनीर बना के रख लिया था तो ये सामान मैंने सारा फ्रिज से बाहर निकाल दिया और उसके बाद फिर जो रात के धुले हुए बर्तन रखे थे उनको मैं टोकरे में से निकाल के रैक में जो है वो एडजस्ट करने लगी बर्तन अपनी जगह पर रखने के बाद मैंने दूध में से मलाई निकाल के अलग रख ली मलाई का भी बाउल भरने वाला है एक आध दिन में निकालना है अभी फिलहाल इसको फ्रिज में ही रख रही हूं और पनीर के पराठे के लिए यह पनीर एक किलो दूध का मैंने रात को बनाया था इसको कद्दूकस करेंगे इसको मैंने रखा लेकिन भरवा पराठे के लिए आपको नमक का ढीला स्मूद आटा चाहिए होता है तो स्टफिंग बनाने से पहले मैंने गूथना शुरू किया आटा तो आटे में थोड़ा सा नमक मिलाया है और ढीला ढीला सॉफ्ट आटा इसका गूथेगा जैसे मैं हमेशा भरवा पराठों में बताती हूँ तो लेकिन अभी मेरे पास मतलब पूरा एक घंटा है इन पराठों को बनाने के लिए तो मैंने इसको सॉफ्ट सा गूंथ के अभी रख दिया अभी इसको पटक के ठीक नहीं कर रही हूँ इसको टाइम देते हैं रेस्ट करने का और इतने मैं जो हूँ पनीर को कद्दूकस कर रही हूँ पनीर के पराठे बनाने के लिए अगर आपके पनीर के पराठे फट जाते हैं या चारों तरफ स्टफिंग नहीं फैलती तो उसका मेन वो वही है तरीका कि आप ना इसकी जो स्टफिंग इस है वो जितनी स्मूथ बनाओगे उतना अच्छा रहेगा तो पनीर को आप अच्छे से कद्दूकस कर लो हाथ से मैश मत करो और जो उसमें प्याज अदरक हरी मिर्च आपको जो भी डालनी है वो बारीक से बारीक चॉप करके डालो ताकि वो उसके साथ आसानी से मैच हो जाए अब मैंने प्याज को तो चॉपर में कर लिया अच्छे से एक प्याज़ ली है और उसके बाद में इसमें थोड़ी सी जो है प्याज इसमें मिला के पनीर की जो ग्रे ग्रेट करके हमने रखा हुआ है ना इसमें और एक हरी मिर्च या एक या दो आप इसमें हरी मिर्च डाल दो और हरी मिर्च भी ये वाली जैसे पतली है लेकिन अगर चौड़ी हरी मिर्च है ना तो उसको ट्राइंगल में इधर उधर मतलब छोटे पीस काटने हैं ताकि कहीं से भी वो पराठे को हमारे फाड़े नहीं तो यहाँ पर ये यह हरी मिर्च मैंने इसमें दो काट दी इतनी काफ़ी हो जाएंगी और इस कैंची को ये किचन की ही है इसको हाथ के हाथ पोच के रखें आप कैंची को चाकू को तो उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है धार भी अच्छी रहती है मसालों के नाम पे इसमें नमक मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा जीरा पाउडर के अलावा एक जो जाएगी इसमें आधी चम्मच के करीब आप डाल दो खटाई तो ये चार पांच चीज़ें डल के पनीर के बहुत ही यम्मी पराठे आपके बनते हैं और जब से मैंने ये बनाने शुरू किए हैं तो आलू के पराठे के बाद या उसकी टक्कर के कहना चाहिए मेरे बच्चों के फेवरेट हो गए हैं ये तो ये पनीर की स्टफिंग हमारी रेडी हो गई और उसके बाद हमने देखा अपना आटा जो रखा हुआ था अब इसको पाँच सात मिनट तो मिल ही गए हैं इसके बाद इसको पटक पटक के जो है वो सही कर लेंगे और जब तक कि ये हमारा बिल्कुल स्मूथ सा नहीं हो जाता कोई भी भरवा पराठा आपको बनाना हो तो आपकी जो की है वो यही है कि आपका जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल होना चाहिए देखो अभी ये टूट रहा है थोड़ा खींचने पे इसका मतलब अभी ये रेडी नहीं है तो इसको मुझे दो चार मिनट रख के फिर पटकना पड़ेगा जब हम इसे खींचे तो इलास्टिक की तरह खींच जाए ना तब समझो कि आटा हमारा बढ़िया रेडी हो चुका अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है तो अब इसको रख के मैंने स्टफिंग भरी तो पहले एक लोई के बराबर आटा ले लिया उसको बेल लिया बेलन से उसके बाद जितने आपको चाहिए उतने भरिए अगर आपका आटा बिल्कुल बढ़िया हो चुका है ना तो खूब अच्छे से स्टफिंग भरने पर भी पराठा नहीं फटता उसके बाद उसके किनारों को अच्छे से चिपका लिया और थोड़ा सा हाथ से मतलब सूखा आटा लगा के हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लिया ये भी हेल्प करता है आपके भरवा पराठों को फटने से रोकने के लिए अब यहाँ पर मैंने इसको फटाफट से बहुत ही हल्के हाथ से आपको बेलना है प्रेशर डालने पर यह रहता है कि वह चौकी में चिपक जाएगा और फिर अगर एक बार एक जगह से फट जाए पराठा तो फिर आपका पराठा फटता ही चला जाता है तो इसकी की यही है कि आपको बहुत ही हल्के हाथ से इसको बढ़ाते जाना है थोड़ा सूखा आटा लगा लीजिए अगर नहीं घूम रहा वो लेकिन जब तक पराठा अपने आप घूमता रहेगा तब तक समझिए आपका पराठा बिल्कुल सिक्योर है उसको कोई दिक्कत नहीं है तो ये दोनों साइड से बिल्कुल सही है कोई पराठा कहीं से भी फटा नहीं है तो ये मैं आपको पलट के दिखाऊंगी सेकने के बाद एकदम जैसे सादी रोटी या पराठे फूलते हैं ना इस तरीके से आपका ये भरमा पराठा भी बिल्कुल गोल फूल जाएगा आप आलू का बनाओ गोभी का बनाओ पनीर का बनाओ सब्जी का कस के किसी भी जो सूखी सब्जियाँ होती हैं उनको कस के बनाओ आपके पराठे इसी तरीके के बनेंगे और सारे पराठे में जो आपकी स्टफिंग है वो इक्वली स्प्रेड हुई हुई होगी मैंने इससे पहले भी शायद दो बार पनीर पनीर के पराठे बनाए भी हैं वीडियो में भी और दिखाए भी हैं तो यहाँ पर ये देखो ये बिल्कुल अच्छे से आप किनारे दबा दबा के खूब बढ़िया सेक लो तो ये आपके पराठे बिल्कुल बढ़िया वाले बन जाएंगे एकदम गेंद की तरह ये फूल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हो अब इसको रख लिया यहाँ पर तो मैंने अब ये सारे नाश्ते के पराठे जो हैं वो बना के रख दिए अब नाश्ता रेडी होने के बाद अभी आठ पच्चीस हो रहे हैं तो अभी तक भी फ़ोन वगैरह कुछ आया नहीं है कि हम लोग कब जाएंगे लेकिन आधा घंटा है उनके बताए के अकॉर्डिंग तो मैंने जो है किचन में गैस वगैरह सब साफ़ कर दी है और मंदिर से आके जो है चाय बनाएंगे और तब नाश्ता हम लोग करेंगे वहाँ तो बासे मुँह ही जाना होता है और बच्चे अब उठ के नहाने लग गए हैं क्योंकि क्योंकि लेट जा ही रहे हैं मंदिर तो मैंने सोचा मतलब इनका मन तो था ही तो पूछा कि चलेंगे तो ये भी जाएंगी दोनों तो ये नहा के अपना रेडी हो जाएंगी तो हम लोग फिर इसके बाद मंदिर चले जाएंगे और बाकी का चाय वगैरह आने के बाद बनेगा तो थोड़ा सा ये है इनको भी एक आइडिया होगा कि हाँ मंदिर में क्या होता है कैसे होता है फाइनली अब हम सवा नौ बजे जो हैं वो निकल रहे हैं दोनों बच्चों ने सामान पकड़ा हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ पूजा के लिए मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ एक तो मैंने घी की ये बाती बनाई है मिट्टी का दीपक नहीं है तो मैंने यही वाला रख लिया थोड़े से फूल रखे हैं लौंग कपूर रखी है धुपबत्ती रखी है माचिस रखी है चढ़ाने के लिए पैसे रखे हैं और प्रसाद के लिए बताशे जो हैं वो हम रास्ते में से लेंगे तो पुनीत भैया और उनकी वाइफ नेहा जो हैं वो अब रेडी होके आ गए थे तो हम लोग निकल लिए मंदिर के लिए और देखो बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी पड़ी रही है पर अब हम पहुंच गए हैं मंदिर तो चलो अंदर चलते हैं अब यहाँ पर आराध्या को मैंने पकड़ाया हुआ था बताशे की पन्नी और आरोही को कुछ सामान तो थोड़ा थोड़ा मैं इनसे चढ़वा रही थी थोड़ा सा खुद चढ़ा रही थी सारे मंदिर में जितने भी भगवान जी थे सबके इनको नाम बताए और ये कभी यहाँ पे छोटी सी होती थी थी तब लेके आए थे वरना यूजुअली हम बहुत सुबह ही आ जाते हैं क्योंकि लाइन वाला चक्कर हो जाता है कई बार लाइन बहुत ज़्यादा मिलती है तो इसलिए बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर नहीं आ पाते और यहाँ पर ना वो हैं माल मक्खी कहूं या मधुमक्खी क्या कहूँ वो बहुत हैं तो ये बहुत ज्यादा डरती हैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही थी लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने समझाया कि कुछ नहीं हो रहा ये वो तो फिर ये अपना कंफर्टेबल हो गई और मेरे साथ जो है सामान भगवान जी को चढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने तो ये इनका अपने होश में कहना चाहिए पहला राउंड था इस मंदिर में तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा दिखा दिया और गुड़गांव वाले मंदिर के बारे में भी बताया कि इनका ही बड़ा मंदिर अगर हम लोग जाएँ तो वहाँ पर होता है और तुम लोगों को मैं ले भी गई थी फिर पूजा करके हम लोग गाड़ी जो है दूसरी साइड पार्क की थी तो वहाँ से हम लोग एक चौराहा जो है वो पैदल करके आ गए थोड़ा सा चौराहे पे भी चढ़ता है पूजा का सामान और ये करके फिर हम लोग घर की तरफ को निकल पड़े एक दो सामान लेने थे और रास्ते में जलेबी और कचौड़ी वाले की दुकान पड़ती है एक तो वहाँ से पुनीत भैया को लगा कि भाई ले चलते हैं तो वो हमने ली और वहाँ से मंदिर से थोड़ा सा जल बचा के लाते हैं वो दरवाजे पर अपनी देहरी पर हमें डालना होता है तो ये डालने के बाद अब यहाँ बजे हैं दस बज के दस मिनट ये हमने ली है जलेबी और पुनीत भैया ने जलेबी और शायद समोसे या कचौड़ी में से एक आइटम उन्होंने कुछ और भी लिया था और मेरी साड़ी जो है वो बारिश की वजह से और मंदिर में जो कीचड़ था वो बिल्कुल नीचे से गीली हो गई है तो मैंने ये बदल ली और मैंने फिर बदलने के बाद अपने पैर वैर धो के फटाफट चढ़ाई चाय और यहाँ पर ये लोग जो हैं अपना जलेबी का आनंद लिया जा रहा है इसके साथ ही पराठे चलेंगे और जी चल रहा है मेरे हस्बैंड का इनका बिग बॉस टीवी में ओटीटी वाला बिग बॉस जो है वो स्टार्ट हो चुका नाश्ते के साथ ही ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन बाय स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज